ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही कोई खुलकर देना पसंद करे, जिसमें से एक है पॉर्न। अगर पॉर्न के बारे में हम लोगों से बातचीत करें तो शायद 10 में से 4 या फिर 3 लोग ही होंगे जो कि इस पे कुछ बोलना चाहेंगे। अपनी बोल्डनेस दिखाने के लिए शुरुआती दो सवाल के जवाब तो दे भी दे, लेकिन बहुत संभव है कि तीसरे सवाल में वो महज अपनी मुस्कान ही आप तक पहुंचाएंगे। जब भी पॉर्न बंद करने की बात की जाती है तो शायद ही कोई खुलकर अपने विचार को प्रकट ना करे, लेकिन कई चेहरों पर निराशा और परेशानी देखी जाती है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली पॉर्न वेबसाइट यानी कि पॉर्न हब करीब करीब नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन कितनी ही लोकप्रिय है। दुनिया भर में पॉर्न सामग्री उपलब्ध कराने वाली जानी मानी वेबसाइट पॉर्न हब के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि साल 2017 में भारत में पॉर्न वीडियो देखने में 75% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि यूं ही नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जियो के उन पैक्स का कमाल है जो कि सस्ते में हो जाते थे और गांवों से लेके कस्बों और महानगरों तक हर जगह आसानी से अच्छे नेटवर्क मिलते थे। ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ करने वाली आबादी यूथ की है और इस एज में पॉर्न की तरफ भागते भी हैं। अब इन सब के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पॉर्न साइट को इंडिया में बैन किया जाए, तो इससे भी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। आज भी कई साइट्स हैं जो डायरेक्टली पॉर्न को परोसते हैं और इंडिया में पॉर्न साइट का कारोबार खूब मजे से चल भी रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या पॉर्न साइट की वजह से ही इंटरनेट चल रहा है? क्या सरकार के ठोस कदम उठाने के बाद भी पॉर्न पे कोई काबू पाया नहीं जा सका, तो क्या ये गलत है या सही? गलत सही का फैसला भाई हम तो नहीं करेंगे, इतना ज़रूर कहेंगे कि लाख पाबंदी लगा लो, जिन्हें देखना होगा वो कोई ना कोई तोड़ निकाल कर देख ही लेंगे। इसका समाधान बस इतना हो सकता है कि जो टीनेज के बच्चे हैं उन्हें इनसे बचा सके, क्योंकि इन सब से उनके मन में यौन कुंठा उत्पन्न हो ही जाती है जो आगे चलकर उन्हें तमाम गलत रास्ते पे ले जाती है। ये भी बोलना बिल्कुल गलत होगा कि सारे के सारे बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे लेकिन फिर भी चले ही जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती वो चीज़ें। बाकी जो पॉर्न साइट के बिजनेस करते हैं उनके लिए खास तौर पे कोई अच्छी रेगुलेशन या फिर कोई रूल बनानी चाहिए सरकार को, ताकि वो इन चीज़ों को समझे और अपने पैसे बनाने के चक्कर में किसी पीढ़ी को बर्बाद ना करे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें द चौपाल, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलती रहें।